बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान उमर और आप देख रहे हैं इमरान उमर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेके हूँ प्यारे पाकिस्तान के प्यारे शहर पेशावर की मशहूर बीफ चर्सी कढ़ाई, जो कि बड़ी ही मजे की बनती है और बनाना भी बहुत ही आसान होती है। आप इस रेसिपी को एक दफा इस तरीके से जरूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत मजा आएगा। तो चले जी, बिना वेस्ट किए टाइम बनाते हैं और आपको भी सिखाते हैं ये वाली मजेदार सी बीफ चर्सी कढ़ाई। चले जी, ये मजेदार सी पेशावरी बीफ चर्सी कढ़ाई बनाने के लिए एक कढ़ाई में मैंने ज्यादा कुकिंग ऑयल ले लिया है। अभी ये कुकिंग ऑयल आपको ज्यादा लग रहा होगा, मगर ये मुझे इतना ही चाहिए। इसको मैंने कर लिया अच्छी तरह गर्म और यहाँ पे इसमें ऐड कर देंगे, मेरे पास आधा किलो बीफ है जिसको मैंने नमक डाल के हाफ डन तकरीबन 50% मैंने उबाइल कर लिया था, ये ऐड कर देंगे। और इसी ऑयल के अंदर हमने इस बीफ को अच्छी तरह फ्राई कर लेना है लो टू मीडियम फ्लेम पे। अच्छी तरह आपने इसको फ्राई कर लेना है। यकीन करें इतनी मजे की रेसिपी बनती है, आपने इस ईद पे जरूर इसको ट्राई करना है, बड़ी स्पेशल रेसिपी है। आज हम इसको बनाएंगे बिल्कुल पेशावरी स्टाइल में, बहुत ही आसान और सादा तरीके से। तो देखें यहाँ पे ये तकरीबन फ्राई हो चुका है, एक्स्ट्रा कुकिंग ऑयल हम इसमें से निकाल लेंगे, हम जितना मजदूर को बोलते इसमें रख लेंगे। यहाँ पे चेक करें, एक्स्ट्रा कुकिंग ऑयल मैंने निकाल लिया है। इस कुकिंग ऑयल को आपने जाया नहीं करना, ये नेक्स्ट किसी रेसिपी में आप बिना किसी खौफ दे के यूज कर सकते हैं। अब इसमें ऐड कर देंगे, यहाँ पे है मेरे पास अदरक और लहसुन जिनको मैंने पानी में अच्छी तरह हल कर लिया था, मतलब हमें अदरक और लहसुन का जूस चाहिए, ये ऐड कर देंगे। इसको हम लोग अच्छी तरह यहाँ पे मिक्स कर लेंगे और अदरक और लहसुन के पानी को अच्छी तरह खुशक कर लेंगे। यहाँ पे चेक करें, अदरक और लहसुन का पानी काफी अच्छा खुश्क हो गया। अब इसमें ऐड कर देंगे जिस पानी में मैंने बीफ को उबाइल किया था, ये तकरीबन हाफ कप बच गया था, ये भी ऐड कर देंगे। अगली चीज ये चेक करें, मेरे पास 5000 टमाटर थे जिनको मैंने सेंटर से कट लगा दिया था, छिलके आपने नहीं उतारने, आप बड़े प्यार के साथ ऐसे सेट कर देंगे। सारे टमाटर अच्छी तरह हमने सेट कर लिए, अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कितनी प्यारी लुक लग रही है। अब इनके ऊपर आपने लगा देना है कवर और देखिए आपका फ्लेम कर देना है लो टू मीडियम। यहाँ पे मिलेंगे इसको तकरीबन 6 से 7 मिनट, यहाँ पे हो गया तकरीबन 5 से 6 मिनट। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं टमाटर हमारे अच्छी तरह गल गए। आपने सारे छिलके बड़े प्यार के साथ ऐसे रिमूव कर लेने, ये बड़े आसानी के साथ हो जाएंगे। सारे छिलके हमने बड़े प्यार के साथ आराम के साथ रिमूव कर लिया, इसको कर लेंगे अच्छी तरह मिक्स। यहाँ पे आपने टमाटरों को अच्छी तरह मैश कर लेना है। आपके जहन में आ रहा होगा कि हम टमाटरों का पेस्ट भी ऐड कर सकते थे, तो जनाब बिल्कुल भी आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जो पक के ऐसे टमाटर का मजा आना है वो पेस्ट नहीं आ सकता। तो लेंगे यहाँ पे टमाटर हमारे अच्छी तरह मैश हो गए, ठीक हो गया। अब इसमें ऐड करेंगे बिल्कुल थोड़े से पाउडर मसाले, जस्ट आपने यहाँ पे सिर्फ काली मिर्च का पाउडर ऐड करना है, इसके अलावा आपने यहाँ पे कोई चीज ऐड नहीं करनी। टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर लीजिएगा, अच्छे से इसको कर लेंगे मिक्स। आपने अपने पास से कोई एक्स्ट्रा मसाला इसमें ऐड नहीं करना, बिल्कुल ओरिजिनल पेशावरी। आपने अगर कढ़ाई बनानी है, चर्सी कढ़ाई बनानी है, तो आपने इसी रेसिपी को फॉलो करना है। यहाँ पे इसको अच्छी तरह कर लेंगे मिक्स। अब इसमें एंड में हम लोग ऐड कर देंगे बिल्कुल फ्रेश, यहाँ पे बिल्कुल मैंने अच्छी तरह इसको फैन लिया था, एक छोटा सा दही। इसी दही के अंदर आपने इसको पकाना है अच्छी तरह लो टू मीडियम फ्लेम पे। दही के पानी की आपको कर लेना है खुश्क। यहाँ पे चेक करें, दही का पानी अच्छी तरह खुश्क हो गया और ग्रेवी देखें माशाल्लाह कितनी मजे के तैयार हुई है। आपने अपने पास से कोई एक्स्ट्रा मसाला इसमें ऐड नहीं करना, कोई आपने एक्स्ट्रा चीज इसमें ऐड नहीं करनी। एंड पे हम लोग 4 से 5 चब्बस मिर्ची ऐड कर देंगे। जनाब ये बन के तैयार है, तो देखिए कितनी प्यारी फाइनल लुक आई है, मजीद इसको खूबसूरत करते हैं। तो ले जी देखें माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बीफ चर्सी कढ़ाई कितनी मजे की तैयार हुई है। आप इस ईद पे इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा और आपने मुझे फीडबैक लाजमी दे देना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार, खुदा हाफिज़।